कृषि बिल के खिलाफ राजद ने पूरे वैशाली जिला में अलग अलग जगहों पर मानव श्रृंखला बनाकर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। सभी प्रखंड के प्रखंड मुख्यालयों में सड़क पर राजद कार्यकर्ता लाइन में लगाकर खड़े दिखे। इस कड़ाके की ठंड में मानव श्रृंखला में भी अलग अलग रंग दिखाई पड़े। महुआ में स्थानीय विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन जहां बैलगाड़ी पर सवार होकर मानव श्रृंखला में भाग लेने पहुंचे, वहीं पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम महुआ में ही रोटी की माला पहनकर मानव श्रृंखला में सही। कुल मिलाकर मानव श्रृंखला पूरे जिले में दिखाई पड़ी। वैशाली का जिला के जिलाध्यक्ष ने बताया कि महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर किसानों के हित में यह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बढ़ चढ़ कर राजद कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आपके टीवी स्क्रीन पे आपको चार तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी, जिसमें पहली तस्वीर हाजीपुर की है और दूसरी महुआ की, तीसरी महनार की और नीचे चौथे नंबर पे भगवानपुर की, पांचवें नंबर पे ग्रौल और राजापाकर, छठे नंबर पर राजापाकर की तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही होगी। किस प्रकार से राजद कार्यकर्ता सड़क पर लाइन लगाकर खड़े दिखाई पड़े। किसान हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, किसान हितों का हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, किसान हितों का हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसानों की एकता जिंदाबाद, 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 नेता जिंदाबाद, 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 नेता जिंदाबाद, 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 जो हमसे टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा, नेता जिंदाबाद, 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 नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे किसानों यहाँ के साथ हो जाएगा, अब किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आधा घंटा हम लोग को रहना था, आधा घंटा हम लोग रहे हैं और आज गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर, पुण्यतिथि है, हम लोग पुण्यतिथि भी मना रहे हैं, पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर आज मानव श्रृंखला पूरे बिहार में लोग रोड पर उतर करके किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें वैशाली जिला आपको देखने के लिए मिला होगा कि वैशाली जिला के हर कोने कोने हर रोड पर जन सैलाब उमड़ गया। गरीब गुरबा किसान हर व्यक्ति रोड पर उतर करके और विरोध प्रदर्शन किया है काला कानून के लिए और सरकार के जो गलत नीति के विरोध किया है। और हमारी पार्टी, हम लोग जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेते हैं, लेता है सरकार, तब तक हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन और किसान के समर्थन में हम लोग जो है से इसी तरह रोड पर उतरते रहेंगे। जरूरत इसलिए पड़ गया कि पूरे देश में भाजपा सरकार पूरे बिजनेसमैन के पहले बनवा दिया है बहुत बहुत 10-10 लाख टन का गोडाउन, मंडी बंद कर दिया। गरीब लोग 10 किलो 5 किलो 20 किलो ले जाके मंडी में बेचता था, वो बंद कर दिया। पूरे देश में आंदोलन चल रहा है किसान का, ये ठंड में लाखों लाख आदमी रोड पर बैठ के आंदोलन कर रहा है। 26 जनवरी के मोदी सरकार का आदमी अमित शाह मिल करके पूरा अपना गिरोह के भेज करके कांड करा के, झंझट करा के, मारपीट करा के, तानाशाही अपने को कायम करने के लिए, वो किसान के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके खिलाफ में पूरा तेज लड़ाई छिन गया है किसान के। पूरे देश में जगह जगह पर उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, किसान मारल जा रहा है फसल में। ये झूठ मूठ के भाजपा सरकार ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कुछ नहीं, किसान को एकदम नाश कर दी, किसान के बर्बाद करने के कगार पर खड़ा है। मंडी खत्म करने के बाद छोटा मोटा किसान सब समाप्त हो जाएगा, बिजनेसमैन वही सामान 5 रुपये किनेगा 50 रुपये बेचेगा। इसलिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, उसी कड़ी में बिहार के गठबंधन
जो हम लोगों का है संगठन, उसके तहत पूरे बिहार में इस श्रृंखला लगाया गया है ताकि विरोध प्रकट करके पूरे देश के जनता के मैसेज पहुंचाना है कि पूरे जगह जगह पर गांव गांव में लड़ाई छिड़ जाए और जनता आ जाए रोड पर। अभी मोदी सरकार अपना दलाल के भेज करके सब जगह मार पीट करवा रहा है, दंगा करवा रहा है। मोदी जी के आदमी वो दिन चढ़ गया लाल किला पर झंडा फहराने के लिए, और अब आतंक की वो आदमी था और झूठ मूठ के किसान के बदनाम करने के लिए ये सब साजिश रच रहा है। इसलिए जय हिंद, जय समाजवाद, जय किसान, जिंदाबाद। अब मानव श्रृंखला बनाकर हम किसान को समर्थन कर रहे हैं और भारत के सरकार नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम विरोध कर रहे हैं ये मानव श्रृंखला बनाकर। रोटी रोटी पहने हैं, ये रोटी का सवाल है, ये देश सिर्फ रोटी के लिए, किसान भी आज आंदोलन करते हैं रोटी के लिए। कोई भी लोग हो, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो दफ्तार हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो देश के मुख्यमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यवसायी हो, जो भी काम करता है इसी रोटी के लिए करता है। ये रोटी के लिए ये आज आंदोलन हो रहा है, किसान इस रोटी के लिए आंदोलन कर रहा है। इसलिए मैं रोटी लेकर के भारत के प्रधानमंत्री को मैं ये बताना चाहता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूँ कि आप समझो कि आज देश किस दहलीज पर चला है, किस रास्ते पर देश जा रहा है। रोटी के लिए लोग सड़क पर खड़ा है और देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है। भगवान पर हम लोग आज मानव श्रृंखला के लिए जुटे हैं और जो मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है वो किसानों के सम्मान के लिए, जो केंद्र की सरकार है जो काला कानून लाई है किसानों के विरोध, उसके विरोध में हम लोग आज मानव श्रृंखला बना के पूरे बिहार के लोग, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग मिलके इस कानून का मानव श्रृंखला के लगा के विरोध कर रहे हैं। कानून जो आया है काला कानून, उसके खिलाफ हम लोग आज मानव श्रृंखला का आयोजन महुआ में किए हैं और उसमें काफ़ी लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसमें किसान, युवा, बेरोजगार, नौजवान, महिलाएं, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम लोग उसी दरमियान आज महुआ के गांधी चौक पर पूरा महुआ से लेकर और चेहरा कला का जो बॉर्डर है मुजफ्फरपुर का वहाँ तक है और इधर से हाजीपुर के रामसिंह चौक तक हम लोग लगाए हुए हैं। किसान जिस बात को पसंद नहीं करेगी उसको नेता लोग अपने मन से क्यों थोपेंगे? जब तक किसान समर्थन में है कि जो उसकी डिमांड है उसके देखते हुए बिल को सुधार किया जाए। तो केंद्र सरकार जो तीन काला कानून लाया है जब तक उसको वापस नहीं ले लेती है, जब तक किसान का जब जब आह्वान होगा हम लोग उसके समर्थन में इसी तरह से मानव श्रृंखला बना करके केंद्र सरकार का विरोध करेंगे और किसान का समर्थन हम लोग करते रहेंगे। जता रहे हैं सरकार मानव श्रृंखला में हम लोग जब से APMC कानून ध्वस्त हुआ है, नीतीश कुमार जी सरकार 2006 में APMC कानून ध्वस्त करके किसानों को रोड पर ला दिया है। किसान का जो न्यूनतम मूल्य है MSP भी देने से किसान को रखा गया है, बाहर रखा गया है। इसलिए हम लोग आज महागठबंधन के लोग सड़क पर मानव श्रृंखला बना रहे हैं और किसान के जो दिल्ली में भी जो तीनों कानून लाया गया है उसके खिलाफ में भी आज हम लोग रोड पर हैं। कि तानाशाही सरकार जो है आज हम लोगों के 2 महीना से आज किसान आंदोलन कर रहा है उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और ये तानाशाही सरकार जब तक हम लोग के जब तक नहीं सुनेगा जब तक हम लोग बाज नहीं आएंगे। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो तीन काला कानून किसान के विरोध में लाए हैं हम लोग इनका जो है विरोध करते हैं। यह काला कानून हम लोगों के लिए, हर किसान के लिए यह जो हानिपूर्ण है, क्योंकि यह जो है बड़े बड़े अंबानी और अंडानी की सरकार है। बड़े बड़े अंबानी अंडानी जो अपने अपने बड़े बड़े स्टॉक अपना जो है मंडी बनाता है और अपने अपने बड़ा बड़ा गोदाम बना करके और जो गरीब का जो कम दाम में किसान का जो अनाज होगा उसको खरीद करके और वह गोदाम में पैक कर लेगा, जिससे क्या हुआ कि आने वाला समय में जब किसान का जो समाप्त हो जाएगा अनाज तब उसे बेचने बड़े दाम पर बेच कर वह फिर धन कमाएगा। यह जो सरकार है वह काले कानून लेकर के आया है, हम लोग इस काले कानून का विरोध करते हैं।